और अभी जिया जा रही है नीचे माँ के पास, माँ को मालिश करेगी क्योंकि तबीयत जो है बहुत ही ज्यादा खराब है। इतना पतला कंबल से ठंडा आ जाएगा? ठंडा नहीं, ठंडा लगे या ना लगे पसीना छूटेगा तब ना वो बुखार उतरेगा तुम्हारा। को लगा देते माथा में। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी छठ हो गया खत्म और जो हम लोग का नॉर्मल लाइफ है अब जो है शुरू हो चुका है। जो छठ वाला माहौल था काफी अच्छा माहौल था, बहुत मजे किए हम लोग। और अभी फिलहाल जो है छठ का प्रसाद को अब खत्म करना है। ठेकुआ तो अब ठेकुआ लग रहा है और खाते हैं हम लोग के यहाँ महीना तो शहर में हम लोग आ गए हैं खरीद के बनाते हैं तो उसका जो है क्वांटिटी कम है। लेकिन हम लोग जब गांव में रहते हैं जहाँ हम लोग किसी भी चीज की भगवान की दया से कमी नहीं है तो वहाँ 20-20 किलो आटा का ठेकुआ बनता था। हम लोग एक एक महीना खाते बनाने वाला भी ज्यादा था। आदमी यहाँ बनाने वाला है खरीद के बाजार से किलो में आता है। खाने वाला भी अब उतना नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा क्रियांश है शुगर था प्रेशर। चटाई पर लेटा हुआ है कुछ देर से तो है। अभी बज रही थी दिन के 11, हमारी पेट पूजा हो गई है और अभी चल रहे हैं पापा को कोर्ट छोड़ने। पापा का तो हमने कोर्ट छोड़ दिया जी, अब सीधा यहाँ से चलते हैं घर। घर चल करके जो है पहले क्रियांश को नहाना है, क्रियांश को नहा करके जो है फिर खुद हमको नहाना है, फिर अपने काम पर लगना है और आज जो है मार्केट में निकलना है। जो मार्केट में काम है उसको भी निपटाना है तो चलते हैं। सब तो जी खा लिए, अब बारी है फल खाने की। यहाँ सब भी छठ का ही प्रसाद है तो यहाँ पर जो है इतना भी फल है इसलिए केल खत्म करना है। क्या हुआ क्रियांश? और यहाँ क्रियांश जो है मेरे साथ गोद में घूम रहा है, कुछ देर पहले दूध पी रहा था लेकिन उसके बाद जो है इसका मन भर गया तो थोड़ा सा बोतल जो है इसका खाली ही है ना। तो जब से क्रियांश बीमार पड़ा है तब से थोड़ी सी तो भूख कम हो गई है, वरना पहले मुझे ध्यान है कि जब बोतल पिलाते थे इसको ऐसा इसको रहता था बोतल खत्म हो जाए इसको लगता था कि और आधा बोतल पी सकता है ये। लेकिन फिलहाल जो है भूख थोड़ी कम है तो आप लोग दुआ कीजिए जल्दी इसकी भूख वापस आ जाए, क्रियांश एकदम हेल्दी हो जाए, गोलू मोलू हो जाए, है ना? राइट राइट राइट। क्रियांश का नहाना हो गया जी, तो क्रियांश को जो नहा करके जो है सुला दिया है, हम लोग का भी नहाना हो चुका है और बाकी अब इधर खाना चल रहा है दोनों सास बहू का। तो अपना खाइए आप लोग तो। कुछ अचार सबका महक आ रहा है, अचार हमको दिया नहीं गया। Two hours later. क्रियांश तो है कुछ देर पहले सोया ही था और ये उठ गया है और पापा के साथ जो अब है मैच देख रहा है। पापा को जाना था मार्केट लेकिन अब जो है मार्केट का काम को जो है पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि आज जो है इंडिया का मैच है। तो अभी मैच देख रहे हैं जी, पीछे देख रहे हैं मैच लगा हुआ है और क्रियांश अपने पापा के साथ है, मैच भी देख रहा है, अपना बदमाशी भी कर रहा है, खेल भी रहा है, सब कुछ हो रहा है ना क्रियांश? The next day. अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और आप जो है क्रियांश का जो है चीखना चिल्लाना अभी सुन रहे होंगे। तो क्रियांश जो है अभी नीचे था दादा दादी के पास और अभी आ गया है ऊपर और दादी जो है इसको लेकर के जाने वाली है छत के ऊपर क्योंकि धूप बहुत अच्छी है तो दादी भी धूप लेगी, अपना पोता भी धूप लेगा। अभी हम जा रहे हैं पास की किराना दुकान, वहां से जो है कुछ सामान लेना है तो सामान लेकर के आते हैं, फिर हम भी थोड़ा धूप सेकते हैं क्योंकि सभी को सर्दी जुकाम हो गया है अच्छा खासा। एक कॉल भी आ रहा है, देखते हैं। अभी बज रहे हैं जी दिन के 12 और माँ की जो है तबीयत हो गई है खराब। तो माँ जो है पिछले कुछ देर से जो है बिल्कुल एकदम कंबल के अंदर लेटी हुई है, 2-3 लेयर कंबल का डाली हुई है। माँ को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है और माँ ने जो है अभी तक कुछ खाना भी नहीं खाया है तो उनके लिए खाना लेकर के जाते हैं। जानते हैं अभी खाने के लिए मना करेगी, मुझे बिल्कुल पता है यह, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 2 रोटी भी खा लें ताकि शरीर में ताकत बना रहे। और क्रियांश सोया हुआ था और अब उठ गया हंस रहा है। क्या नियम हो गया है, कल इतना सोया है पूछिए मत और आज जो है सोने का नाम नहीं ले रहा। सोना चाहिए, दादी का भी तबीयत खराब है, मम्मी को इतना काम है लेकिन नहीं। माँ का खाना यहाँ लगा हुआ है, इसको लेकर के चलते हैं। यहाँ पर क्रियांश आ गया है, सोच रहा है कि इसकी दादी से बात क्यों नहीं कर पा रही है, पंखा क्यों नहीं चल रहा है, है ना? क्योंकि जैसे ही आता है सबसे पहले पंखा को देखता है ये, है ना क्रियांश? है ना, यहाँ क्रियांश जो है अपनी दादी को टुकु टुकु देख रहा है। माँ कह रही है मेरा पोता सबसे ज्यादा मेरे लिए प्रिय है, उससे भी नहीं बात कर पाए, यहाँ टेंगड़ी इतने पकड़े हुए हैं इसका। तो दादी का चुपचाप से बैठ के देख रहा है, दादी का ही नहीं बात कर रही है, नहीं बात कर दादी, दादी नहीं बात कर रही है। इधर देख सकते हैं हमारे क्रियांश को जो कि बदमाशी इतना ज्यादा कर रहा है ना,
कि ये देखिए क्या देख रहा है, देखो ये पंखा देख रहा है कि पंखा क्यों नहीं चल रहा है। अब ठंड का समय आया, पंखा नहीं चलेगा, समझे? अभी 2 बजने वाले हैं, अभी तुरंत मैं स्नान करके आई हूँ बस, और कुछ भी नहीं किया मैंने, नहीं खाना खाए ना कुछ, बस इसको बस मस्ती सूझी है आज। डेली तो सो जाते थे तुम। कितना सीधा बन रहा है कैमरा, जैसे ऑफ होगा नहीं बदमाशी स्टार्ट कर देगा। घर पर ये झूला लेके आ रहे बवा का, छत पर से अभी तक परीदे भी स्नान नहीं किए हैं, इधर उधर बस बवा को लेकर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है आज गोदी से उतरना ही नहीं चाह रहा है ना। चली क्रियांश सो गया है बहुत ही मेहनत करने के बाद, तो मेरा तो पूजा हो गया है, अब चलते हैं कुछ खा लेते हैं, और छत पे कपड़ा भी फैलाना है वो भी फैला लेते हैं। तो यहाँ क्रियांश जो है सो चुका है, तो अब मुझे मौका मिला है जी, अब जा करके नहा लेते हैं, तो जाते हैं जल्दी से नहाते हैं और काम धाम पर लगते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बुआ के लिए हमने एक बहुत ही प्यारा सा टॉय मंगाया है, जो कि मैं ओपन कर दूँ, ओपन करके दिखाऊंगी, जस्ट आया है तो मुझे चाकू नहीं मिल रहा था, देख सकते हैं किससे मैं खोल रही हूँ, तो ये देख सकते हैं डांसिंग कैक्टस, जो कि बहुत ही प्यारा है। ये देखिए जी, ये देखिए कितना प्यारा है, सॉफ्ट है बहुत, देखने में लग रहा है ये कैक्टस है लेकिन ये सॉफ्ट बहुत है। दादा बोलेगा तुम बहुत जिंदे हो, मेरा भी यही ना सॉफ्ट आवाज निकाला, आप देखिए तुम बहुत गंदे हो, क्रियान बहुत बदमाश है, बोलो जलवा है हमारा। यहाँ क्रियांश जो है सो चुका है। A few moments later. तो हमें लग गई है जी भूख, और अभी के लिए जो नाश्ता है हम लोग का छठ का प्रसाद ही है, जितना भी है सूखा हुआ दो ना सारा, सारा सूखा हुआ ही, चीनी वाला दो ज्यादा, गुड़ वाला उतना अच्छा नहीं लगता है। तो जिया के हाथ में देख रहे होंगे यह तेल जो अभी कटोरी में डाल रही है, यह तेल जो है जिया सभी को लगाती है, मुझे भी लगाती है, क्रियांश को भी लगाती है, माँ को भी लगाती है, जिया खुद भी लगाती है, सब लोग लगाते हैं यह तेल। ये बहुत चीजें डाल के बनाया गया है, जो कि हम कल ही बनाए थे और दम होने वाला है। और इसको जो बनाने का पूरा जो विधि है जिया ने अपने चैनल पर डाला हुआ है, जिया का चैनल है सासो जिया ब्लॉग, तो आप लोग वहाँ जा करके जरूर देख लीजिए। आप में से बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि आप बाबू को कौन सा तेल लगाते हैं अभी ठंड में, तो ठंड में हम यही तेल लगाते हैं, स्पेशली रात में जब वो सोता है तो यही तेल लगाते हैं हम। और अभी जिया जा रही है नीचे माँ के पास, माँ को मालिश करेगी क्योंकि तबीयत जो है बहुत ही ज्यादा खराब है। बच्चा लोग आते रहता है, एक एक खोल के लेते रहते हैं, कोई बात नहीं दे दो एक ही साथ बच्चा को सारा। इतना पतला कंबल से ठंडा जाएगा, ठंडा लगे या ना लगे, पसीना छूटेगा तब ना वो बुखार उतरेगा तुम्हारा, को लगा देते माथे में। फाइनली हमारा डॉक्टर साहब उठ चुके हैं, देख सकते हैं आप, डॉक्टर साहब जो अपने पेशेंट को देखेंगे, देखिए एक बार। हेलो प्रियांश, कैसे हो? अरे डांस तो देखो, अरे पकड़ बाद में लेना, अरे डांस तो देखो, अरे मुझसे बात तो कर लो, जरा सी बात तो कर लो, कुछ तो कर लो। ये बहुत खुश है, बोलो थैंक यू पापा को, थैंक यू बोलो पापा को इतना प्यारा सा टॉय के लिए। मारो उसको, क्यों कॉपी करते हो मेरी आवाज, बोलो